नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर के नॉलेज। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किसी भी फोटो या इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अपने गूगल को ओपन कर लेना होता है या अपना खुद क्रोम ओपन कर लेना होता है। देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर अपने गूगल को ओपन कर लेता हूँ। गूगल को ओपन करने के पश्चात फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सर्च कर देना होता है remove.bg। फ्रेंड्स, देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ remove.bg। सर्च कर देने के पश्चात फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सर्च वाले आइकन पर टैप कर देना होता है। इस पर टैप कर देने के पश्चात आपके सामने इस तरह का एक नया इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन होके आ जाती है। वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा रिमूव इमेज बैकग्राउंड, जो कि दोस्तों बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आप जिस भी इमेज के बैकग्राउंड को या फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं, आपको उस इमेज को यहाँ पर अपलोड करना होता है। अपलोड करने के लिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे अपलोड इमेज देखने को मिल रहा है, आपको इस पर टैप कर देना होता है। इस पर टैप करने के साथ ही आपको वो इमेज सेलेक्ट करनी होती है जिस भी इमेज के आप बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर केवल एक ही क्लिक में पूरा का पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेगा मैं जो कि यहाँ पर फर्स्ट इमेज है, इसी के बैकग्राउंड को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर आपको जो कि डन देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर डन पर टैप कर देना होता है। जिससे दोस्तों, आप यहाँ पर डन पर टैप कर देते हैं, यहाँ पर देखेगा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो किया जाता है। यहाँ पर देखेगा जो कि ये इमेज थी, इसका बैकग्राउंड अब रिमूव हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर इसको एडिट करना चाहते हैं या कोई और बैकग्राउंड यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो कि एडिट के सामने एक एरो का निशान देखने को मिल रहा है, एरो का आइकन देखने को मिल रहा है, आपको इस पर टैप कर देना होता है। इस पर टैप करने के पश्चात आपको यहाँ पर जो कि प्रीव्यू देखने को मिल रहा है या हाई रेज, आपने ऐसे किसी भी एक पर टैप कर देना होता है। इस पर टैप करने के साथ ही यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आपके सामने जो कि बहुत सारे बैकग्राउंड होते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। या दोस्तों, यहाँ पर अगर आप कोई अन्य बैकग्राउंड अपलोड करना चाहते हैं, कोई भी बैकग्राउंड को ऐड करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कि अपलोड बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है, आप यहाँ से अपलोड बैकग्राउंड पर टैप करने के पश्चात कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। किसी भी इमेज का बैकग्राउंड यहाँ पर सिलेक्ट करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं और बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास कोई एक ऐसी इमेज नहीं है या बैकग्राउंड नहीं है जो कि मैं यहाँ पर यूज कर सकूँ। दोस्तों, मैं वहीं से कोई एक बैकग्राउंड यूज करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखेगा दोस्तों, बहुत सारे बैकग्राउंड देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फर्स्ट कोई ले लेता हूँ। ये देखेगा दोस्तों, जैसे मैं इस पर टैप कर लेता हूँ, यहाँ पर एक बैकग्राउंड यूज हो चुका होता है, यहाँ पर एक न्यू बैकग्राउंड आ चुका होता है। आप दोस्तों अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे बैकग्राउंड देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, आपको जो भी बैकग्राउंड पसंद हो, आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पर यूज करने के लिए दोस्तों, आप यहाँ पर पिक्सल लेव या पिक्सआर्ट ऐप का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, दोनों ही ऐप बहुत ही कमाल की है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब जैसे मैंने इस बैकग्राउंड को यहाँ पर यूज किया है, और जैसे ही दोस्तों मैं इसको यहाँ पर अब डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो कि ऊपर की साइड में कॉर्नर में डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर टैप करने के बाद इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने इस पर टैप किया, यहाँ पर अब शेयर इमेज एंड डाउनलोड इमेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो कि डाउनलोड इमेज देखने को मिल रहा है, आपको इस पर टैप कर देना होता है। जैसे दोस्तों, आप यहाँ पर इस पर टैप कर देते हैं, आपकी इमेज डाउनलोड हो चुकी होती है। देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा दोस्तों, अब मेरा जो कि बैकग्राउंड होता है, जो कि वहाँ पर पहले बैकग्राउंड कुछ और था, अब यहाँ पर कुछ और है। दोस्तों, आप इससे भी अच्छा बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों, आपको पिक्सल लेप या सिक्स आर्ट ऐप की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, दोनों ये बहुत ही कमाल के हैं, आप उसको इजिली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।